भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हमारे यहाँ पर मिल से सुपरवाइज़र आए हुए हैं और ये बताएंगे कि किसानों को गेहूं कटाई के बाद बीज कौन सा उपलब्ध करा रहा है मिल और कैसे उपलब्ध किया जा रहा है, क्योंकि किसान भाइयों की ये शिकायत है कि हमें गेहूं कटाई के बाद बीज नहीं मिल रहा। 0238 तो मिल गया लेकिन उसे किसान भाई बुआई करना नहीं चाह रहे, तो कौन सी अच्छी वेराइटी इस बार मिल उपलब्ध करा रहा है वेव सुगर धनोरा जो किसान भाइयों को गेहूं कटाई के बाद मिल सके, तो इनसे सारी जानकारी लेंगे। हाँ जी भैया जी अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं इस क्षेत्र का CDS जी, कैन डेवलपमेंट सुपरवाइजर जी। और इस समय जो बीज की जो किल्लत आ रही है ये आप सभी को, क्षेत्र के सभी किसानों को बहुत अच्छे से पता है जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कुछ बीज तो अभी रेड रॉट के चक्कर में बर्बाद हो गया। हाँ जी। मोस्टली 38 जो वेराइटी 0238। हाँ जी। उसके अलावा जो बीज अवेलेबल था वो अभी इससे पहले की जो अभी बुआई हुई है। हाँ जी। मैक्सिमम बीज उसमें निकल गया है। अच्छा। तो कुछ एक रिजर्व बीज कोटा हमने कर रखा है। हाँ। उसमें आपका 35 है जी, 18 है जी, कुछ लोगों के पास 85 खड़ा हुआ था वो अवेलेबल है जी, 88 भी एक दो लोगों के पास था जी। तो मैक्सिमम जो बीज है, मैक्सिमम तो किसान अपने सेल्फ यूज़ के लिए स्टोर करके रख रहा है जी। इसके अलावा कुछ लोगों को हमने बोल रखा था स्पेशली कि भाई आपके पास बीज सही खड़ा हुआ है जी, आप उसे बीज के लिए रोक लीजिए। हाँ जी। आप जिसे ज़्यादा टाइम तक आप गन्ना रोक रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, आपको कुछ दिक्कतें आ रही होंगी गन्ना रोकने में। हाँ। उसके लिए मिल की पहली कोशिश तो यह है कि जिसके पास बीज अवेलेबल है जी, जिस किसानों को ज़रूरत है गेहूं के बाद बीज की जी, तो उनसे कुछ को एडवांस दिलवाया जा रहा है मिल की तरफ से। अगर आपको जिसे 10 क्विंटल बीज चाहिए जी, तो आप उसका 50% का एडवांस उस किसान को दे दीजिए जिसके पास सीड अवेलेबल है जी, आपका सीड सेफ हो जाएगा जी। इसके अलावा कितनी भी कोशिश की जाए, लास्ट जो प्लांटिंग रहेगी हमारी गेहूँ कटने के बाद की, हाँ जी, जो आप मान के चलिए 20 अप्रैल के बाद में होएगी लगभग जी, उस टाइम उधर जो है थोड़ा बीज की किल्लत आ रही है। इसके लिए चीनी मिल ने एक बहुत बढ़िया उपाय निकाला है जी, कि जैसे वो सीड की क्रेट्स आती हैं, पॉट ट्रे आ रही हैं। हाँ जी। हाँ। पॉट ट्रे में सिंगल बर्ड का सीडलिंग तैयार करके आप पिछाई में उसकी बुआई कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ। उसका पहला तो फायदा ये रहेगा कि आप अगर 20 दिन बाद बुआई कर रहे हैं जी, और ट्रांसप्लांटेशन आपने पॉट ट्रे का बर्ड जो है आपने आज उसका ट्रांसप्लांट कर दिया, वो होनी भी अभी तो चाहिए, बुआई आपकी आज से ही मानी जाएगी। हाँ जी। मतलब यह कि आपको 15 से 20 दिन 25 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। हाँ। कि आपका खेत भी नहीं खाली तब भी आपकी बुआई समझ लीजिए आप हो गई, पैदावार भी ज्यादा होगी। पैदावार उसमें यह रहेगा कि 90% से ऊपर का जर्मिनेशन रहता है, क्योंकि आप जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। हाँ जी। हाँ। तो जो बर्ड नहीं जर्मिनेट करेगी जी, उसको आप हटा देंगे, उसे तो आप नहीं यूज करने वाले हैं। हाँ जी। तो उसमें यह रहता है कि आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज आता है वो मैक्सिमम आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 2 आंख के या 3 आंख के टुकड़े, 3 आंख के तो मोस्टली नहीं है। हाँ, कोई नहीं कर रहा है। हाँ जी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि 2 आंख में एक आंख जम आती है, दूसरी। हाँ, का जर्मिनेशन नहीं होता है। अच्छा। वो आपका गैप में चला जाता है। अच्छा। वो किसान का लॉस है। सही बात। अगर आपने डबल बर्ड का सीड का इस्तेमाल किया है। हाँ, डबल बर्ड में आपका मान के चलिए 80% भी जर्मिनेशन हो गया, जो कि नहीं होता। हाँ जी। नॉर्मली 60% तक ही रहता है डबल बर्ड में। हाँ जी। तो अगर आप उसका एक मोटा मोटा अपने हिसाब से सोच के चलिए कि 80% जर्मिनेशन हुआ है, तब भी किसान का 20% का लॉस हुआ है। हाँ जी। हाँ। और जो हम बर्ड तैयार करवाते हैं वो एवरेज लेके चलते हैं जी, तो उस हिसाब से रहता है कि जो बर्ड आपकी जर्मिनेट करेगी आप उसे ही ट्रांसप्लांट करेंगे जी, तो आपका 100% जर्मिनेशन मान के चलिए जी। अगर उसमें ट्रांसप्लांट के बाद एक दो बर्ड खराब भी हो गई। हाँ, तब भी आपका अप्रोक्सीमेट 98% का जर्मिनेशन रहेगा। अच्छा। तो मील ने इसके लिए ये किया है कि जी 23 का सीड अवेलेबल करवा रहे हैं। अच्छा। उसके साथ मील आपको ये पौध तैयार करने के लिए फ्री में क्रेट दिलवा रही है। अच्छा। ट्रे फ्री में ले, ट्रे आपको मील से फ्री में दिलाई जाएंगी जी। उसके अलावा आप एक काम करिएगा, जैसे ट्रे आपको मिल रही है जी, तो उसमें जो मटेरियल आपको बेड के नीचे तैयार करना रहेगा उसमें। हाँ। आप मिट्टी ले सकते हैं जी, एक थर्ड पार्ट आपका मिट्टी रहेगा, 1/3 बालू रहेगा। हाँ हाँ। और 1/3 आप वर्मी कंपोस्ट या जो हाँ, ऑर्गेनिक जैविक कंपोस्ट आती है। हाँ, उसका हाँ, प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों का मिक्सचर बराबर से तैयार कर लेना है। हाँ। मिक्सचर तैयार करने के बाद में उसमें आपको ट्राइकोडर्मा यूज करना है। हाँ। ट्राइकोडर्मा उसमें मिक्सअप करके। हाँ। और अगर कूड़े की खाद अवेलेबल है तो आप उसे भी मिक्स कर लीजिए। अच्छा। इन तीनों चीजों को, चारों चीजों को बढ़िया से मिक्स करके। हाँ। उसके बाद आपको ये करना है कि उसमें आधा जो उसमें एक पिट रहेगा। हाँ हाँ। ट्रे में। हाँ। आधा पिट आप उसको फिल कर दीजिए। अच्छा। उसके बाद आप सिंगल बर्ड कटर से बीज काट लीजिए। हाँ हाँ। और उस बीज की ट्रांसप्लांटिंग आप ऐसे करिए कि उसकी बर्ड जो है ऊपर की साइड रहनी चाहिए। उसके बाद ऊपर से हल्की लेयर और उसी मिक्सचर की आप डाल दीजिए। अच्छा। उस पर हल्का सा पानी लगा के आप उसे चाहे तो ढक के रख सकते हैं छांव में। यहाँ पे प्रॉपर धूप भी रेगुलर न रहे और छांव भी रेगुलर न रहे, आप वहाँ पे उसे रख सकते हैं स्टोर करके।
आप मान के चलिए 30 से 45 दिन में आपका जर्मिनेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा जी। उसके बाद आप गेहूं के बाद उसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। सीड इसके लिए हम लोगों ने कई जगह पे 23 का रोक रखा है जी। जो लोग ट्रे तैयार करना चाह रहे हैं जी अपना ट्रांसप्लांटिंग के लिए गेहूं के बाद के लिए जी। उनको हम ट्रे के ट्रे दिलवा रहे हैं, साथ में सीड का इंतजाम करवा रहे हैं जी। और उसके बाद उनका जर्मनी जो आप जिसे कई लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है कि पॉटर कैसे तैयार की जाए जी, क्या मिक्सचर रहेगा, क्या रेशियो रहेगा, उसके लिए हम लोग जो ले के आता है उससे रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, उसको बताते रहते हैं और इसके अलावा उसकी हेल्प भी करते हैं वहाँ पे जाके कि भाई आप ऐसे कर लीजिए, एक ट्रे सेट करवा के दिखा देंगे। किसान से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं जो भी ट्रे लेके आता है। अच्छा एक जानकारी दो, जैसे आप ट्रे आप फ्री दे रहे हैं किसान को जी, तो कौन सी वैरायटी पर दे रहे हैं? नहीं ट्रे जो है ऑनली एंड ऑनली 15023 के लिए मिल रही है। अच्छा क्योंकि गेहूं के बाद पिछाई बुआई के लिए 15023 सबसे बढ़िया वैरायटी है। अच्छा और दिक्कत यह है कि 23 को ज्यादा दिन तो कोई रखना नहीं चाह रहा जी जी, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका वजन खत्म हो रहा है गोला, बाकी ढहने की दिक्कत ज्यादा है, किसान भी सोच रहा है कि हमारा खेत खाली हो जाए जी। तो मिल की फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि जिनके पास लगा हुआ है उनका नुकसान ना हो, तो उनका सीड हम ले रहे हैं जी। और जो बुआई करने वाले किसान है जिनको सीड की दिक्कतें आ रही है उनकी मदद के लिए हम ये कर रहे हैं कि आपको हम सीड अवेलेबल करवा रहे हैं, ट्रे अवेलेबल करवा रहे हैं, आप अपना पौध तैयार कर लीजिए। अच्छा जैसे किसान अब बुआई करना चाहें और बिना पौध के तो 15023 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल रहेगा, सीड स्टॉक में है। अच्छा हम लोगों ने उसे रुकवा रखा है, जिसे भी चाहिए तो संपर्क कैसे कर सकते हैं? जैसे कि संपर्क आप हमसे संपर्क कर दीजिए। अच्छा हम इस क्षेत्र के CDS हैं, सुपरवाइजर जी के थ्रू। मेरा मोबाइल नंबर 88 87 58 29 22 है जी। आप लोग हमसे संपर्क करिए, बीज आपको अवेलेबल करवाया जाएगा 23 का। अगर आप अभी भी बुआई करना चाह रहे हैं सरसों कटने के बाद में तो बीज की पूरी उपलब्धता आपके लिए इस सर्किल में अपने करवाएंगे। तो देख लो किसान भाइयों कितनी बढ़िया सुविधा है वेव शुगर धनोरा की, कि पोट्रे बिल्कुल फ्री मिल रही है। जो किसान भाई गेहूं कटाई के बाद अपने गन्ने की बुआई करवाना चाह रहे हैं और उन्हें बीज उपलब्ध नहीं हो रहा, तो गन्ने का बीज भी उन्हें मिल रहा है, साथ में आप अगर नर्सरी से तैयार करना चाह रहे हैं तो ट्रे भी फ्री मिल रही है बिल्कुल, और उसकी देख रेख के लिए गन्ने की लगातार मिल के कर्मचारी बिल्कुल संपर्क में रहेंगे और खेत में विजिट भी करेंगे कि कैसे खेत की तैयारी करें और कैसे गन्ने की बुआई करें। तो भाइयों अगर किसी को 23 की 15023 या कोई सा और बीज चाहिए अल्ली में पास, तो मिल हमारे मिल से संपर्क कर सकते हैं, केवल मिल क्षेत्र वालों को ही गन्ना बीज उपलब्ध किया जाएगा और जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।